सोमवार की सुबह 5 वर्षीय बालक की 4 पहिया वाहन के सामने पहिए में आकर मौत की दर्दनाक मामला सामने आया है। यह घटना कामठी नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 16 स्थित गौतम नगर छावनी में घटी है। मृतक बच्चे का नाम ईशु नीलेश बरसे है। ईशु अपने घर के सामने खेल रहा था। ईशु के चाचा गुड्डू बरसे भी ईशु के पड़ोस में रहते हैं। गुड्डू वाहन चालक है और वह कामठी नगर परिषद में कचरा गाड़ी चलाता है। गुड्डू के साथ कचरा उठाने वाला 17 वर्षीय नाबालिग क्लीनर भी काम करता है। गुड्डू सोमवार की सुबह रोजाना की तरह नगर परिषद कार्यालय में गया। वहां जाकर उसने काम पर उपस्थित होने की बुकलेट में एंट्री की और कचरा गाड़ी क्रमांक MH40 खुद के घर के पास लाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी खड़ी कर क्लीनर से कचरा जमा करने को कहकर घर चला गया। कचरा जमा करने के बाद क्लीनर ने खुद गाड़ी चालू कर आगे जाने के लिए गाड़ी घुमाई। उसी समय आंगन में खेल रहा ईशु गाड़ी के सामने वाले पहिए में आ गया। यह मंजर देख आसपास के पड़ोस के लोग भागकर गाड़ी के पास आए, लेकिन तब तक ईशु की मौत हो गई थी। कामठी पुलिस ने ईशु के चाचा और क्लीनर को हिरासत में लेकर दोनों पर मामला दर्ज किया है। इस घटना को लेकर परिसर का माहौल गमगीन है। इनबीसीएन न्यूज के लिए कामठी से अरुण महाजन की रिपोर्ट।